दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लग्जमबर्ग का वीजा कैसे अप्लाई करोगे और कौन से तरीके होते हैं जिनके थ्रू आपको लग्जमबर्ग का वर्क वीजा मिलेगा। मैं दो तरीकों की बात करने वाला हूं, एक तो जब आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करोगे उस तरीके का हम बात करेंगे, जो दूसरा तरीका वो एजेंट की हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम ऑनलाइन जो लोग जॉब अप्लाई करते हैं उनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने इस चैनल पर कई सारी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट हमारी एक होगी लग्जमबर्ग के ऊपर, तो आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और लग्जमबर्ग में जॉब ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करोगे इसके ऊपर आपको कई सारी वीडियो मिल जाएगी। और स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक मंथली लोगों को मिलती है, बट डिपेंड करता है कि आप जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हो उस काम में आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको एक अच्छा अमाउंट अच्छा सैलरी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बात यहाँ पर आती है कि जॉब अप्लाई करने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगा। देखो जॉब अप्लाई आपको कैसे करना है, आप जा सकते हो लिंक्डइन पर जा सकते हो, लिंक्डइन की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर लग्जमबर्ग कंट्री सेलेक्ट करो, उसके बाद जॉब सर्च करो। तो वहाँ पर जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी होंगी, जो कंपनियों के एचआर होते हैं, वह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेना, ठीक है। या तो वर्क इन लग्जमबर्ग की वेबसाइट पर जाकर आप खुद से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जॉब अप्लाई करने के बाद सबसे पहले मैं ऑनलाइन ये वाला प्रोसीजर बता देता हूँ किस तरीके से आपको जॉब लगेगा। अब देखो अगर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हो तो सबसे पहले जॉब अप्लाई करो और वर्क वीजा कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। जॉब अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कौन लेगा, जो एचआर होगा। एचआर कब इंटरव्यू लेगा, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे। जॉब के लिए अप्लाई जब करोगे तो आप अपना सीवी और कवर लेटर कंपनी के पास फॉरवर्ड करोगे, या तो उसकी ईमेल पर फॉरवर्ड करोगे या तो आप उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू करोगे, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो सीवी एंड कवर लेटर जो है उन्हें ईमेल ही करा जाता है। उसके बाद जब वहाँ से रिप्लाई आएगा, इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, और इंटरव्यू का प्रोसेस होने के बाद जब आप इंटरव्यू को ब्रेक कर लेते हो, ब्रेक मतलब कि आप इंटरव्यू क्रेक कर लेते हो और आपकी जॉब लग जाती है, डील हो जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, लग्जमबर्ग में मोस्टली उन्हीं लोगों को लिया जाता है ब्लू कलर जॉब, या फिर ब्लू कलर जॉब में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर जिनको बेसिक इंग्लिश एटलीस्ट आती है उन्हीं को लिया जाता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको जॉब पर रखा जा रहा है तो जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक, अगर आपसे बातचीत करे तो एटलीस्ट दोनों में कम्युनिकेशन हो सके। तो इतना आप याद रखो भाई, अगर एकदम से आपको इंग्लिश नहीं आती हो तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा लग्जमबर्ग जाना। जिनको इंग्लिश बेसिक आती है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू किसी तरीके से क्रैक कर लिए और आपका जो है सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद क्या है कि वो कंपनी आपको ऑफर लेटर इशू करेगी, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसी टाइम पर कंपनी आपको बताएगी कि कंपनी आपका जो है वर्क वीजा स्पॉन्सर कर रही है या फिर नहीं। अगर कंपनी वर्क वीजा स्पॉन्सर कर रही है तो कंपनी अपना पैसा लगा के आपका वर्क वीजा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगी, और अगर कंपनी वर्क वीजा का जो है स्पॉन्सर नहीं कर रही आपको, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ही सब कुछ करना होगा। कंपनी आपको ऑफर लेटर अगर आप दे देगी तो आप क्या कर सकते हो, ऑफर लेटर मिलने के बाद आप जो है वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वर्क वीजा के लिए कैसे अप्लाई करोगे, आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर आपको वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है। वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वहां पर लग्जमबर्ग की सेलेक्ट करना है और इंडिया में जो लग्जमबर्ग की ऑफिस है वहां पर जाके अपना वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम ड्यूरेशन कभी कभी महीना, 2 महीना 4 महीना भी कभी कभी लग जाता है, लेकिन आपका जो ऑफर लेटर होगा उसमें आपका ज्वाइनिंग डेट वगैरह रहता है तो वो आपके लिए सुटेबल रहता है। तो अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुद से कैसे अप्लाई करोगे, तो आप जाके जो है VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जब जाओगे आप, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन चेक कर सकते हो और आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो इसके ऊपर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जब आप अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद जो आपका लग्जमबर्ग की एम्बेसी होगी वहाँ पर जाना है और आपको सारे वेरिफिकेशन करवा देने। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है आप एक बार समझ लो। आपको कंपनी का ऑफर लेटर लेके जाना है जो जॉब लगा है आपका, पासपोर्ट आपको ओरिजिनल लेके जाना है और आपको फोटो कॉपी भी लेके जाना है, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। और आपको जो है अगर कंपनी बोलती है, देखो जब आपका इंटरव्यू होगा अगर आपको कंपनी बोलती है कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, तो हाँ यस आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ सकता है। और पेमेंट प्रूफ भी दिखाना पड़ता है, पेमेंट प्रूफ की इट मीन्स आपके अकाउंट में कुछ पैसे होना चाहिए, $1,000 के आसपास तो कंपनी बोलती है कि आपके अकाउंट में हो तो आप आ सकते हो। और बाकी जो भी रहेगा वो आप अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है जिस एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको सारा प्रोसीजर बता देगा। तो अगर आप जॉब कैसे भी फाइंड आउट कर लेते हो तो कम से कम पैसे लगते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका फ्लाइट का मान लो 40-50 हज़ार रुपये लग गए, और मतलब सबको वर्क वीजा वगैरह सब कुछ लेके आप 1 लाख रुपये के अंडर में कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख मैंने सुना है
10-10 लाख भी लोग देके लग्जमबर्ग जाते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है किस तरीके से जॉब अप्लाई करोगे, तो दूसरा तरीका आ जाता है भाई एजेंट के थ्रू। तो एजेंट के थ्रू अगर आप लग्जमबर्ग जॉब करने के लिए जाते हो तो इसमें आपको खुद से जॉब अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो एजेंट होता है वो सब कुछ कर देता है। एजेंट लोग का टाइप होता है कंपनियों के साथ, और जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू ऑथराइज्ड हैं एजेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका टाइप होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, और उन कंपनियों में जो जॉब चल रही होती है तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, और इंटरव्यू अगर आपका इंडिया में ही होता है तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको जॉब अप्लाई खुद से नहीं करना होगा, जो भी करना होगा वो एजेंट करेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, आप जब जॉब के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पर कंपनी वाला सब कुछ देखता है, तो कंपनी वाला यहाँ पर आपसे चार्ज करता है, कम से कम आप पकड़ के चलो अगर आप 2-2.5 लाख रुपये सैलरी दे रहा है मिलेगी अगर वहाँ पर, तो आपसे कंपनी वाले 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10-10 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, कितनी पुरानी है, कितना एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, तो उस हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। अगर आप थोड़ी अच्छी कंपनी में जाते हो तो वो उस हिसाब से वो पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन आप किसी भी कंपनी में पैसे देने से पहले पता कर लो कि हाँ वो कंपनी कैसी है, उसके बाद ही आप उसे पैसे देना। तो ये दो तरीके रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, आप किस तरीके से जो है वर्क वीजा के लिए अप्लाई करोगे लग्जमबर्ग के अंदर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है जॉब से रिलेटेड, वीजा पासपोर्ट से रिलेटेड, वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो लेके आऊं ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।